हरियाणा की जींद मार्केट में सरसों की बड़ी डिमांड से भाव 7,500 से 8,000 तक चल रहे हैं, जिससे किसान की इस बार सरसों की खेती की तरफ रुझान बढ़ा है। 1 अक्टूबर से सरसों की बिजाई शुरू हो चुकी है, किसानों ने सरसों की बिजाई शुरू कर दी है। जींद में पिछले साल 5 से 6 हज़ार हेक्टेयर में सरसों की फसल थी, इस बार 10 हज़ार हेक्टेयर से ज़्यादा में बिजाई होने की उम्मीद है। सरसों में बुआई के समय सिंगल सुपर फॉस्फोरस के 2 बैग जमीन में डालने होते हैं। हालांकि किसान DAP खरीद रहे हैं, जिससे DAP की डिमांड बढ़ गई है। किसानों को आशंका है कि कहीं आगे DAP की किल्लत ना हो जाए, इसलिए गेहूं की बुआई के लिए भी एडवांस में DAP खरीद रहे हैं। जींद जिले में पिछले साल सरसों की फसल बहुत कम पहुंची थी, समर्थन मूल्य से ज़्यादा मार्केट में भाव होने से सरकार ने सरकारी खरीद नहीं करी थी। मंडियों में आई फसल को निजी मिलर्स ने खरीद लिया था, वहीं बहुत से किसानों ने घर पर ही सरसों का स्टॉक कर लिया था। सरकार ने मंडियों में कम सरसों पहुंचने का कारण जानने के लिए जांच भी कराई थी। वहीं कृषि विभाग के क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर के अनुसार जींद जिले में DAP और यूरिया का पर्याप्त स्टॉक है। इन दिनों में करीब 5,000 मैट्रिक टन DAP की जरूरत होती है, जिसका स्टॉक मौजूद है। किसानों को जितनी जरूरत है उतना ही DAP और यूरिया खरीदें, ऐसा कंट्रोल इंस्पेक्टर का कहना है। DAP का स्टॉक